गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आज फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने लिया है हिंदी, और हिंदी में पहले लेक्चर में हमने सीखा था अ की मात्रा, और आज सीखेगा हम लोग आ की मात्रा. आ की मात्रा के थोड़े वर्ड्स लिए मैंने यहाँ पे. आपको इसको बोलना है, समझना है और लिखना है. और कैसे समझना है मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ. देखिए, पहले अ की मात्रा में हमने सीखा था वर्ड बाय वर्ड जाना है, वैसे ही आ की मात्रा में भी आपको वर्ड बाय वर्ड जाना है. यहाँ पे देखिए, राजा क्या है? राजा, 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 ऐसे बोलना है और लिखना है आपको. क्या बोलना है? राजा, राजा. नेक्स्ट वर्ड, बाला, 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 ऐसे ही बोलना है और आपको लिखना है. क्या लिखना है? बाला. चलिए नेक्स्ट वर्ड, छाता, 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 क्या है? छाता. नेक्स्ट वर्ड, तारा, तारा, तारा. नेक्स्ट, ताला, ताला, ताला. नेक्स्ट, माला, 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 माला. चलिए, खा, जितनी बार हो सके उतनी बार बोलना. खाना, खाना. यहाँ पे देखिए, तीन तीन अक्षर वाले बोल, गाजर, गाजर, गाजर. यहाँ पे देखिए, हलवा, 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 ऐसे ही बोलना है आपको, समझना है और लिखना है आपकी नोटबुक में. चलिए आगे, इसमें आ की मात्रा कहाँ पे लगाई हुई है मैंने वो सब मैं दिखाती हूँ. देखिए, र के साथ ये है आ की मात्रा, र के साथ और ज के साथ, तो क्या बना? राजा. ब के साथ और ड के साथ क्या हुआ? टोटल ऐसे ये है आ की मात्रा, इसकी वजह से वर्ड बना माला. छ के साथ और त के साथ छाटा. यहाँ पे देखिए, त के साथ और र के साथ क्या बना वर्ड? तारा, ताला हुआ, माला. ये पूरा ख है, तो ख के साथ, न के साथ और दोनों वर्ड मिलके क्या बना? खाना. यहाँ पे देखिए, तीनों वर्ड के साथ नहीं है, सिर्फ एक के साथ साथ है, गाजर. किसके साथ है? ग, तो क्या बोलेंगे हम लोग? गाजर. यहाँ पे देखिए, व के साथ है, तो क्या बोलेंगे? हलवा. कैसे हुआ? हलवा, ऐसे बोलना है और आपको लिखना है. थैंक यू.